भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के लापता होने के पोस्टर चिपकाने के बाद छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके पुत्र सांसद नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगने के बाद अब ग्वालियर में पूर्व केंद्र मंत्री बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता होने के पोस्टर सिंधिया के महल के बाहर ही लगाए गए हैं। बीजेपी नेता की शिकायत पर कांग्रेस के नेता के खिलाफ पोस्ट लगाने का मामला दर्ज किया गया है। मैं सिद्धार्थ सिंह राजभट प्रदेश प्रवक्ता, मैं आज आप लोगों के सामने एक पक्ष रखने आया हूं। मैंने कुछ गुमशुदा की तलाश के सिंधिया जी के पोस्टर लगवाए थे और लगवा रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश चंबल संभाग में। हमारे माननीय सिंधिया जी को जनसेवा करने की बहुत जल्दी थी, उन्होंने ये नहीं देखा, कष्ट नहीं देखा कि 15 साल कार्यकर्ताओं ने कितने डंडे खाए, कितनी लाठी खाई, कितने अत्याचार सहन किए भारतीय जनता पार्टी के। आप गांधी विचारधारा को छोड़ के और आप जाके गौड़से की विचारधारा में सम्मिलित हो गए, आपने एक बार हम लोगों का कष्ट देखते। आपको जनसेवा करनी थी। आज अतिथि विद्वान जिनके लिए आपने टीकमगढ़ में जाके बोला था कि मैं इनके लिए रोड पे उतर के आऊंगा, कमलनाथ जी मैं इनके लिए रोड पे उतर के आऊंगा, और आज आप हम लोगों को छोड़कर और आप लापता हैं। आज वो अप्रवासी मजदूर जिनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, जिनके 8 माह के बच्चे गोदी में दम तोड़ रहे हैं, जिनके लिए 1000 बस भेजी प्रियंका जी ने, आज आप उनके लिए जाके योगी जी से क्यों नहीं लड़े? आप जनसेवक हैं, जनसेवा करिएगा। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप एक बार जनसेवा के लिए गए थे तो जनसेवा करिएगा। और समस्त कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, अपना मनोबल मत तोड़ना। जय जय कमलनाथ, कमलनाथ जी फिर आएंगे, विश्वास करिए आप। अच्छा, तो ये आप पोस्टर कहां-कहां लगवा रहे हैं? क्यों मैं पूरे चंबल लगवा रहे हैं? मैं पूरे चंबल संभाग में पोस्टर लगवा रहा हूं। इसलिए लगवा रहा हूं, जब से सिंधिया जी ने दिया जलाया था, थाली बजाई थी, उसके बाद से वो गुमशुदा है, दिख नहीं रहे। अरे भाई, दिया और थाली जलाने से अब प्रवासी मजदूरों के छाले नहीं खत्म होंगे। आपको आके उनको मरहम लगानी पड़ेगी, जिसके लिए जनसेवा के लिए आप पार्टी छोड़कर गए थे। आप थोड़ा सा तो अपने पूज्य पिताजी से ज्ञान ले लेते। उन्होंने अपनी विचारधारा ना छोड़ते हुए ग्वालियर विकास पार्टी बनाई थी और उन्होंने ग्वालियर विकास पार्टी में काम किया था। तो मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए जनसेवा कीजिए, हम भी आपके संग कंधे से कंधा मिला के जनसेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।